हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा कार्डिगन डिजाइन लेके आई हूँ। इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे बेबी स्वेटर, गर्ल्स जैकेट, जेंट्स स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन, किसी भी प्रोजेक्ट पर बहुत ही सुंदर बन के आएगा। ये बैक साइड से देखो, ये इस तरीके का दिखता है। और ये डिजाइन 9 के मल्टीपल फंदों पे आता है। 9 फंदों का डिजाइन है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक 9 फंदे हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक 9 फंदे हैं। जो ये लास्ट के फंदे हैं, ये 4 फंदे ये हमने एक्स्ट्रा रखने होते हैं। डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए 4 फंदे हम एक्स्ट्रा रखते हैं इस पर। और अगर आप लोगों ने इस तरीके का बॉर्डर डिजाइन डालना है, देखो ये इस तरीके का बॉर्डर डिजाइन डालना है, तो मैंने इसकी वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस डिजाइन को बनाना। इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 22 फंदे डाले हैं, 22 फंदे डाल के रखे हुए हैं। ये मेरे 18 फंदे डिजाइन के हैं और यहाँ पे 4 फंदे ये एक्स्ट्रा हैं लास्ट के। 4 सिलाइयों का ही डिजाइन है। इनकी फर्स्ट रो है, फ्रंट साइड है। पहले फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे और यहाँ पे हमने 3 फंदे उल्टे उल्टे बना लेने हैं। देखो ये 1, 2 और ये 3। 4 फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लिए। पहला फंदा उतार लिया था, इसको भी हमने डिजाइन पे ही काउंट कर लेना है। धागे को पीछे कर लेंगे। अभी हमने 2 फंदे का एक कर लेना है। ये देखो इस तरीके से फ्रंट साइड से 2 फंदे का एक कर लेंगे। धागे को अपनी तरफ कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा कम किया है, तो अभी हमने जाली पे एक फंदा बढ़ा लेना है। एक फंदा सीधा बनाते हुए जाली निकाल लेंगे। फिर से हमने धागे को अपनी तरफ कर लेना है और ये जो फर्स्ट सीधा फंदा है, इसको हमने इस तरीके से सिलाई पे लेके पलट लेना है और यहाँ पे हमने 2 का एक कर लेना है और एक जाली निकाल लेनी है। सीधा फंदा बनाएंगे। बैक साइड से देखो, ये दोनों फंदों को सिलाई पे ले लेंगे और यहाँ पे हमने जाली निकाल लेनी है, 2 फंदे का एक कर लेना है। तो ये 2, 4, 6, 8, 1, 9 फंदे ये हमने फिर से रिपीट कर लेने हैं। धागे को अपनी तरफ कर लेंगे, 4 फंदे उल्टे बना लेंगे। 1, 2, 3 और ये 4। धागे को पीछे करके यहाँ पे हमने सीधी तरफ से 2 का एक कर लेना है। देखो ये 2 का एक कर लेंगे। धागे को अपनी तरफ कर लेंगे, एक सीधा फंदा बना लेना है। धागे को अपनी तरफ कर लेंगे, ये जो फर्स्ट सीधा फंदा है सिलाई पे इस तरीके से लेके पलट लेंगे और ये बैक साइड से यहाँ पे भी हमने 2 का एक कर लेना है और एक यहाँ पे जाली निकाल लेनी है। ये हमारा सेकंड पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। धागे को अपनी तरफ कर लेंगे, पहले ये 3 फंदों को उल्टा बना लेंगे। 1, 2, 3 लास्ट का एक फंदा ये हमने ऐसे ही उतार लेना है। फ्रंट साइड से फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, बैक साइड है और हमारी सेकंड रो है। यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले वाले फंदे को हमने उल्टा बना लेना है और बाकी की रो भी हम बैक साइड से पूरा का पूरा उल्टा बना लेंगे। हर बार ही बैक साइड पे उल्टा उल्टा बना लेना है। पूरे ही डिजाइन पे बैक साइड से उल्टा ही आएगा। तो ये वाली रो भी हम बैक साइड से कंप्लीट कर लेते हैं। देखो ये बैक साइड से पूरी की रो उल्टी बना ली है। लास्ट का एक फंदा है, इसको हमने ऐसे ही उतार लेना है। अब हमारी ये थर्ड रो है और फ्रंट साइड है। पहले वाले फंदे को हमने उल्टा बना लेना है और ये 3 फंदों को भी उल्टा बना लेंगे। टोटल 4 फंदे बनाएंगे, ये 2, 3 और ये 4। धागे को पीछे करके जो हमने 5 फंदों पे डिजाइन डाला था, इसको अभी हमने सीधा सीधा बना लेना है। 1, 2, 3, 4 और ये 5।
देखो ये फर्स्ट पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। धागे को अपनी तरफ करके चार फंदे उल्टे बना लेंगे। फर्स्ट पैटर्न को ही रिपीट कर लेंगे, चार फंदे उल्टे, धागे को पीछे पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार और ये पांच। हमारा सेकंड पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। धागे को अपनी तरफ करके तीन फंदे पहले उल्टे बना लेंगे, एक दो और ये तीन। लास्ट फंदा है इसको हमने ऐसे ही उतार लेना है। और ये हमारी थर्ड रो फ्रंट साइड से कंप्लीट हो गई है। अब हमारी फोर्थ रो है, बैक साइड है, यहाँ पे हमने पहले वाले फंदे को उल्टा बना लेना है और बाकी की रो भी हम पूरी ही उल्टी बना के कंप्लीट कर लेंगे। सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे बैक साइड से। देखो ये बैक साइड से फोर्थ रो कंप्लीट हो गई है। लास्ट फंदा है इसको हमने ऐसे ही उतार लेना है। ये हमारा डिजाइन भी कंप्लीट हो गया है। अभी जो नेक्स्ट वाली रो बनाओगे फर्स्ट रो को ही रिपीट कर लेना है। देखो ये पहले वाले फंदे को उल्टा बना लेना है और ये जो बाकी के तीन फंदे हैं इनको भी उल्टा बना लेंगे। टोटल चार फंदे बनाएंगे। धागे को पीछे करके पहले ये दो फंदों का एक कर लेना है। यहाँ पे धागे को अपनी तरफ करके जाली निकालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ, फर्स्ट सीधे फंदे को सिलाई पे लेके पलट लेना है। बैक साइड से इसको भी दो का एक कर लेना है। जाली में एक फंदा बढ़ाएंगे और एक फंदा कम कर लेंगे। ये हमारे फर्स्ट पैटर्न कंप्लीट हो गया। धागे को अपनी तरफ करके सेकंड पैटर्न रिपीट कर लेंगे। चार फंदे उल्टे, धागे को पीछे दो फंदे का एक कर लेंगे। धागे को अपनी तरफ जाली निकाल लेंगे, एक फंदा कम किया एक फंदा बढ़ा लिया। फिर से धागे को अपनी तरफ जाली निकालेंगे और बैक साइड से पहले फंदे को पलट लेंगे, बैक साइड से दो का एक कर लेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, सेकंड पैटर्न कंप्लीट हो गया। लास्ट के चार फंदे पहले तीन को उल्टा बना लेंगे और लास्ट फंदा ये बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे और बैक साइड से हर बार ही उल्टा उल्टा बना लेना है। और यही चार सिलाइयां आपने रिपीट कर लेने हैं और ये ब्यूटीफुल सा डिजाइन बना लेना है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं इस तरीके की कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।